हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपको जो फॉर्मर्स एंड हार्डर्स है, मीन्स आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर थर्ड है, इनका जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है, मीन जो वर्कशीट हो सकती है या फिर जो इंटरनल जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसका जो सोल्यूशन जो है मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज का जो वीडियोज है ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। ऊपर में यहाँ पर आपको आई बटन जो मिलेगा वहाँ पर आप लिंक देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है उसको जाकर नोट डाउन कर सकते हैं। सो बेटा यहाँ पर हम जो इंटरनल क्वेश्चंस की बात करें तो आपके नोट्स प्रिपरेशन के लिए आपके आपके जो टेस्ट वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो है हम डिफाइन आपको क्या डिफाइन करना है, जो हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, उसको मीनिंग आपको डिफाइन करना है। तो मीनिंग होता है हार्वेस्ट मीन्स गैदरिंग रिपेंट क्रॉप्स, जो है हम गैदर करते इकट्ठा करते हैं, कटाई करते किसको, जो रिपेंट जो पके हुए जो रिपेंट जो क्रॉप्स है उसको हम क्या करते हैं, गैदर करते इकट्ठा करते उसको हम हार्वेस्ट कहते हैं। देन फूड गैदरिंग, फूड गैदरिंग मीन्स क्या होता है, तो जो हम फूड्स को जो है कलेक्टिंग नेचुरली अवेलेबल फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो नेचुरली जो अवेलेबल जो क्या है फूड्स हैं जिसमें आपके जो फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं जिसको हम ग्रो नहीं किए हैं तो उसको हम कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम फूड गैदरिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिकेट मीन्स होता है, इसको आपको डिफाइन करना है, तो डोमेस्टिकेट मीन्स होता है टू मेक फिट फॉर सर्विस टू ह्यूमंस, मतलब कोई भी जैसे हम किसी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, तो जैसे हम डॉग की बात करते हैं तो वो क्या करता है हमारे लिए सर्विस करता है, हम काऊ को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं मीन्स हम उसको पालतू बना रहे हैं जो ह्यूमन के सर्वाइव वो सर्विस के लिए उसके काम के लायक वो क्या होता है फिट होता है, तो वो आता है आपका डोमेस्टिकेट। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील विद द एक्सल हैव ह्यूमन कैरी लोड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, तो यहाँ पर डैश यहाँ पर क्या था आपका जो फिलअप था, तो यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया, एक्सल आएगा वहाँ पर, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। देन सेकंड आएगा द ड्वेलिंग्स फाउंड बिलो ग्राउंड लेवल्स इन बुर्ज होम आर कॉल्ड पिट ड्वेलिंग, है ना, यहाँ पर जो फिलअप था आपका डैश था तो पिट ड्वेलिंग यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप फिलअप बना सकते हैं। देन थर्ड आएगा इन सेवरल प्लेसेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पॉटरी विथ मार्क मेड ऑफ कॉर्ड और स्ट्रिंग, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है जो वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं जो हमारे इतिहासकार हैं उनको क्या मिला हुआ है, ऐसे जो पॉटरीज जो मिले हैं, यहाँ पर डैश फिलअप में क्या आ जाएगा पॉटरी आ जाएगा, जहाँ पर कॉर्ड और जो स्ट्रिंग जो बने हुए थे मार्क जो बने हुए थे उस टाइप के जो पॉटरी वहाँ पर पाए गए हैं। देन न्यूलिथिक पीपल वोर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ, किन किन से बने हुए जो न्यूलिथिक जो पीपल्स हैं वो ऑर्नामेंट्स यू वोर करते पहनते थे, तो कौन जो सेल्स हैं, जो लैपिज लजुली है और टॉनक्यूंस बैट्स हैं उनसे जो बनी हुई जो ऑर्नामेंट्स है उनका यूज करते थे कौन, न्योलिथिक पीपल। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका न्योलिथिक पॉटरी इज नॉर्दर्न इंडिया वाज ब्लैक ग्रे वोर विथ मैट फिनिश, यहाँ पर जो दो फिलअप था ब्लैक ग्रे और आपका मैट फिनिश हुआ करता था जो न्योलिथिक जो पॉटरी जो नॉर्दर्न इंडिया में जो पाया जाता था वो, तो ये आपके फिलअप हुए। देन नेक्स्ट आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, यहाँ पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो एमसीक्यूज हमारे आते हैं, तो ये जो है आपके एक्सरसाइज से पीछे से हटकर जो आपके डिफरेंट जो आपके क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको जरूर देखिएगा, है ना। न्यूलिथिक एज इज ऑल्सो नॉन एज द ओल्ड स्टोन एज या फिर एज ऑफ फूड गैदर या फिर एज ऑफ फूड प्रोड्यूसर या फिर आपके कॉपर स्टोन एज, तो हमें पता है कि भाई जो न्यूलिथिक जो एज है यहाँ पर जो पीपल्स हैं वो फूड जो प्रोड्यूसर बन गए थे, वो जो है फूड प्रोड्यूस करने लगे थे, क्योंकि हमने फार्मर्स देखा, फार्मर्स मतलब क्या होता है वो फूड उगा रहे थे प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना, तो आंसर आपका हो जाएगा बेटा सी एज ऑफ द फूड प्रोड्यूसर। देन द सेल्टर्स ऑफ द न्योलिथिक ह्यूमंस वेयर मेड ऑफ, जो न्योलिथिक जो ह्यूमंस है उनका जो सेल्टर मतलब उनका जो घर है वो किस तरीके से बने होते थे, तो एनिमल की स्किन से या फिर ब्रिक्स एंड लॉक्स से या फिर आपके जो मड एंड ड्राइड जो ग्रासेस है या फिर बी एंड सी, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी एंड सी दोनों आ जाएगा, बहुत डी आपका आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रिक्स हैं ईंटों से भी घर बनाए थे उनके द्वारा, मड जो थे ड्राइड जो ग्रासेस हैं इनसे भी बने हुए थे, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो सेकंड का डी इज द राइट आंसर। देन थर्ड आएगा बेटा द न्योलिथिक एज इज कैरेक्टराइज बाय, जो न्योलिथिक एज है वहाँ पर हमें स्पेशल जो फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं, द बिगनिंग ऑफ फॉर्मिंग एंड हार्डिंग
ये था द बिगनिंग ऑफ पॉटरी, द इन्वेंशन ऑफ एक्सल, ये तीनों जो था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव, तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा फोर्थ क्वेश्चन, देयर वॉज एन एक्सप्लोजन इन एग्रीकल्चर आउटपुट ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में जो है एग्रीकल्चर का जो एक्सप्लोजन है, उसका जो डेवलपमेंट है, क्यों हुआ? रीजन था कि ह्यूमन हैड मोर लैंड टू कल्टिवेट, ह्यूमन लर्न हाउ टू प्लाउ द फील्ड्स, एंड ह्यूमन लर्न टू सो द बेस्ट क्वालिटी सीड, या फिर आपका डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उस समय मोर लैंड जो है वार्मर हो गया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड अवेलेबल था, ह्यूमन ने जो है खेतों की जुताई करना सीख गया था, और बीज बोना भी जो बेस्ट क्वालिटी की जो सीड है उसको भी सीख गए थे, तो इस कारण से आंसर डी होगा। देन लास्ट जो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है, ह्यूमंस ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज मोस्टली लिव्ड, कहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते थे? कॉलोनीज में रहते थे, कैप्स एंड रॉक शेल्टर में रहते थे, या फिर अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम रहते थे, या फिर डी ए एंड सी आएगा, तो डी या कॉलोनीज में भी रहने लगे थे, और जो लोग हैं वो बैंक रिवर के पास में, स्ट्रीम के पास में रहते, कैप्स और जो रॉक शेल्टर है वो तो जो लोग हैं वो बहुत पहले पैलियोलिथिक साइट्स हैं वहाँ पर रहते थे, है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एंड सी इज द राइट आंसर। देन आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश करना है आपको एग्रीकल्चर और हार्डिंग में, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, तो एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एग्रीकल्चर का मींस होता है कि भाई आप जो है फार्मिंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, सॉइल में जो है क्या कर रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ग्रेन्स उगा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, जिसको हम एग्रीकल्चर के रूप में जानते हैं। और हार्डिंग क्या होता है, तो हार्डिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स लाइक ऑक्सन, काउज, पिग, शीप एंड गोट्स फॉर द यूज ऑफ ह्यूमंस। मींस हार्डिंग मींस क्या हुआ बेटा, कि जो जो हम डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को, है ना, हमारे जरूरत के लिए हम उनको पालते हैं, तो उसे हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर डिफरेंट जो एनिमल्स जो दिए, काउज पिग्स है, तो इनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं, उसको पालतू बनाते हैं, तो ये आपका कहलाता है हार्डिंग मींस पशुपालन कहलाता है। देन सेकंड आता है इसमें, व्हाई डिड ह्यूमन ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज चेंज फ्रॉम हंटर टू फार्मर्स, क्यों जो नियोलिथिक जो एज के जो पीपल्स हैं वो हंटर जो शिकारी थे उससे वो चेंज होकर फार्मर बन गए। तो ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द आइस स्टार्टेड टू मेल्ट, मतलब नियोलिथिक एज में जो आइस जो जमे हुए थे यहाँ पर अधिकांश जो एरियाज थे, तो वो मेल्ट होने लगा, फिर जो वेदर्स है वो क्या होने लगे, वार्मर होने लगे, तो इससे क्या हुआ, जो नए नए जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो स्प्रेड होने लगे। देन यहाँ पर जो द न्योलिथिक पीपल हैड मोर लैंड टू कल्टिवेट एंड दे लर्न टू सेलेक्ट गुड क्वालिटी सीड्स, मतलब जो न्योलिथिक जो पीपल्स हैं वो उनके जो लैंड्स हैं वार्मर जो पिघलते गए, मेल्ट होते गए, है ना, तो जो नया जो एरिया है वो कल्टिवेशन के लिए आया, खेती के लिए आया, साथ ही साथ वो जो है गुड क्वालिटी के जो सीड्स हैं, अच्छे क्वालिटी के जो सीड हैं उनको भी बोना सी उगाना वो सीख गए थे। देन लास्ट आता कि द इन्वेंशन ऑफ प्लव, जो हल की जो इन्वेंशन हुआ उससे क्या हुआ कि जो है वो और बेहतर तरीके से खेती करने लगे। सो जो द इन्वेंशन ऑफ प्लव इनकरेज द ह्यूमंस ऑफ द नियोलिथिक एज टू बिकम फार्मर्स, तो ये जो प्लव का जो आपका जो इन्वेंशन हुआ इससे जो कहीं ना कहीं जो नियोलिथिक जो एज के जो ह्यूमंस है वो फार्मर्स के रूप में डेवलप हुए ज्यादातर। Then how did the invention of the wooden plow improve the agriculture practice during the Neolithic age? जो हल का जो खोज हुआ था जिससे खेतों की जुताई होने लगा, तो वो जो है क्या हुआ, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कैसे करते हैं, तो इसका आंसर देना है कि ह्यूमन ड्यूरिंग द Neolithic एज लर्न टू यूज द वुडन प्लाव टू टिल द लैंड बिफोर प्लांटिंग ट्रीज, मतलब क्या होगा कि जो फसलों को बोने से पहले जो है क्या लोग जो है खेतों की जुताई करना सीख गए थे, उससे क्या हुआ कि जो दे अंडरस्टूड दैट द प्लाउ ब्रोक अप द हार्ड सॉइल एंड कट अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राउंड इन विच द फार्मर कुड सो सीड्स, मतलब क्या हुआ वो समझ गए कि भाई जो हार्ड सॉइल को हम क्या करेंगे, ब्रोक करेंगे, जुताई करेंगे उसका, स्ट्रेट लाइन में उसको कट करेंगे, तो जो है और वहां पर जो है हम फसल सीड्स को जो बीज है उसको बो सकते हैं, उससे फसल बेहतर उत्पादन होगा। तो ड्यू टू दिस इम्प्रूव इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देयर वॉज अ एक्सप्लोजन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, अब इनके कारण से जो है एग्रीकल्चर जो है आउटपुट्स है वो एक्सप्लोजन हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो होने लगा था। तो ये आपका थर्ड का आंसर। देन नेक्स्ट आता है बेटा का राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द होम्स ऑफ नियोलिथिक फार्मर्स, तो नियोलिथिक फार्मर्स के होम के बारे में, द होम्स ऑफ द नियोलिथिक फार्मर्स वाज मच बिगर एंड
स्टर्डियर देन देयर मेलोसिक मेसोलिथिक एंसेंटर्स, मतलब आपका जो यहाँ पर जो नियोलिथिक जो फॉर्मर्स है उनका जो होम्स है या फिर उनके जो हाउस है वो मच बिगर था, मतलब ज्यादा बड़ा था, और जो मेसोलिथिक जो एंसेंटर्स थे उनसे बेहतर था हमारा क्या था, जो ये जो उस समय नियोलिथिक जो फॉर्मर्स है उनका हाउस हुआ करता था। देन नेक्स्ट आता है कि द हाउसेज वेयर बिल्ट यूजिंग स्प्लिट लॉक्स, वहां पर जो है आपके जो स्प्लिट जो लॉक्स है उनका यूज किया जाता था, मतलब दीवारों पर जो है उनकी जो है टार्स वगैरह से पुताई वगैरह करते थे। वॉल्स वुवन फ्रॉम स्मॉलर ब्रांचेस, लकड़ियों को जो जो या फिर पत्तों से वो जो है वॉल्स को क्या करते थे वो बुनाई करते थे। देन आपका आता है देयर इज द एविडेंस दैट द पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग ब्रिक हाउसेस, साथ ही साथ उस समय के जो अवशेष हमें जानकारी मिलती है एविडेंस मिलते हैं कि उस समय के जो पीपल्स हैं वो ब्रिक हाउसेस मतलब ईंटों से बने हुए घर भी बना रहे थे। तो इस तरीके से जो नियोलिथिक जो फॉर्मर्स हैं उनके जो हाउस है होम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। देन आता है कि जो द नियोलिथिक ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग इन कॉलोनीज, और जो आपके जो नियोलिथिक जो ह्यूमंस है वो कॉलोनीज में रहना स्टार्ट कर दिए थे। तो इस तरीके से बेटा ये जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो इंटरनल क्वेश्चन जो वर्कशीट हो सकते थे वर्कबुक जो होते हैं आपके उसके जो सोल्यूशन है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। होपफुली बेटा ये जो वीडियोज है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको इसी तरीके जो हेल्पिंग जो वीडियोज है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। सोके बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके सोल्यूशन के साथ। सोके थैंक यू।